गाइज, ऐसी मस्त वीडियोस देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलेगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि मैं जो भी नई वीडियोस अपलोड करूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्रिय चैनल पीके के जुगाड़ में। दोस्तों रिलायंस जियो ने दिवाली धमाका ऑफर लॉन्च कर दिया है, ये तो आपको मालूम ही होगा, पता ही चल गया होगा। हम बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन आपको रिचार्ज वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, और यदि करवाना चाहिए तो क्यों करवाना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और इसकी जो टर्म और कंडीशन है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस आपको डिस्प्ले पर नज़र आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ सेलिब्रेट दिवाली विथ 100% कैशबैक ओवर ऑन एवरी रिचार्ज ऑफ 399 रुपीज। इस लिखावट से ये समझ में आता है कि भाई 399 रुपये का जो रिचार्ज करेंगे उस पर 100% कैशबैक मिल जाएगा, इसका मतलब यही है। लेकिन इसमें एक बसूड़ी है, टर्म और कंडीशन है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो बसूड़ी क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैंने तो रिचार्ज करवा रखा है और मेरे 2 महीने और पड़े हैं इस रिचार्ज को ख़त्म होने के लिए ना, तो मुझे तो कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और जो आपका प्लान चल रहा है ना अभी रिसेंटली, ऐसा नहीं है कि आप कोई रिचार्ज कराएंगे 399 रुपये का वो अभी ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ऐसे होगा कि आपका जो अभी रिसेंटली प्लान चल रहा होगा ना पिछला, ठीक है, और आपने 399 रुपये का रिचार्ज करा लिया, तो जो 399 रुपये का जो रिचार्ज आपने कराया है उसका जो बेनिफिट है वो मिलेगा आपको जब आपका रिसेंटली वाला रिचार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का कि आपने पहले से ये 399 रुपये का रिचार्ज करवा रखा है, ठीक है, और 1 महीना हो गया, आपके 2 महीने बाकी हैं जी, तो 2 महीने बाद ही आपको जो अभी आपने दोबारा से 399 रुपये का रिचार्ज करवाया ना उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब दोबारा से जब आपका पुराना रिचार्ज का प्लान खत्म हो जाएगा तो आपका नया वाला उसके आगे से ही कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका जो प्लान चल रहा है और अभी आपने सोचा है कि एक और मैं प्लान इसमें करा लेता हूँ रिचार्ज, तो वो प्लान आपको तभी मिलेगा जब आपका पुराना प्लान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफर के बारे में, दिवाली ऑफर के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका मतलब तो यही निकलता है कि भैया 399 रुपये का हमने कोई रिचार्ज करवाया तो वो हमें कंपनी 100% कैशबैक दे देगी, पैसे वापसी कर देगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें बसूड़ी है। बसूड़ी क्या है दोस्तों, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें लिखा है एवरी रिचार्ज। ठीक है, एवरी रिचार्ज जो मतलब 399 रुपये का आता है, कितनी बार भी रिचार्ज करवाएं वो आपको कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। मान लीजिएगा कि आपने एक ही नंबर पर 4-5 बार 399 रुपये का रिचार्ज करवा लिया, 4 बार करा लिया, तो जो 4 बार आपने कराया है ना, तो 4 बार आपका मतलब कि 4×12 मतलब 1 साल का प्लान हो गया। मतलब कि एक प्लान के बाद एक और प्लान लग जाएगा, एक प्लान के बाद एक प्लान लग जाएगा, मतलब कि आपका 1 साल तक की छुट्टी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और आपका यहाँ पर जो कैशबैक है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर एरो के पास में वैलिड बिटवीन 12th to 18th October। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये जो प्लान है ना, ये जो ऑफर है, ठीक है, ये ऑफर आपको 12 से 18 अक्टूबर के बीच में मिलेगा, 12 तारीख से 18 अक्टूबर के बीच में मिलेगा। अगर इसी डेट के बीच में आप कराते हैं तो ही आपको ये ऑफर मिलेगा। ठीक है, अभी आपको देखो, ऐसा तो नहीं यार 399 रुपये का हमने को रिचार्ज करवाया तो कंपनी हमें तुरंत पैसा दे देगी कि 399 का भाई इतने रिचार्ज करा लिया और 399 रुपये आपके बैंक अकाउंट में या आपके माई जियो अपने भेज दिए, है ना, या आपके पेटीएम में भेज दिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत तकड़े वाली बसूड़ी है। आगे चलेगा, नीचे देखते हैं। नीचे लिखा है न्यू प्लान्स इफेक्टिव फ्रॉम 19th October। भाई इसका मतलब ये है कि 19 अक्टूबर के बाद जो इसके पुराने प्लान है ना उसमें जियो कंपनी कुछ चेंजेस करने वाली है। हो सकता है कि जो आपके 99 वाला प्लान है वो थोड़ा सा महंगा हो जाए या सस्ता हो जाए, लेकिन ये पक्की बात है थोड़ा चेंजेस हो सकता है। ठीक है, तो शायद इसलिए जो ये आपका प्लान है दिवाली ऑफर, इसमें ये प्लान उन्होंने ऑफर दिया है, इसमें कि कैशबैक वाला ऑफर दिया है। ठीक है, अब कैशबैक की हम इसमें बात कर लेते हैं कि कैशबैक हमें कैसे मिलेगा, उसे यूज़ करना कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे देखिएगा, गेट 8 कैशबैक वाउचर्स ऑफ 50 रुपीज इन माय जियो ऐप रिडीमेबल आफ्टर 15th October। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको जो कैशबैक देने की बात की गई है यहाँ पर, वो आपको कैशबैक 100% जो मिलेगा ना, वो ऐसा नहीं है कि 399 का रिचार्ज आपने कराया तो 399 रुपये कंपनी आपको एकदम दे दिए, नहीं ऐसा नहीं है। बस थोड़ी ये थी यहाँ पर कि आपको जो कैशबैक देने की बात की गई है यहाँ पर आपको वाउचर मिलेंगे, 8 वाउचर मिलेंगे 50-50 रुपये के। हाँ जी, 8 वाउचर 50-50 रुपये के मिलेंगे।
और ये जो वाउचर आएंगे आपके माई जियो ऐप में आएंगे और इनका फायदा आप उठा पाएंगे 15 नवंबर के बाद। अब ये आप कैसे फायदा उठाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप 309 रुपये के ऊपर से कोई रिचार्ज कराते हैं ना, मतलब 309 रुपये और उससे अधिक का कोई रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर 50 रुपये का खाली एक ही वाउचर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने 399 रुपये का कोई रिचार्ज करवाया तो ऐसा नहीं है कि आपके जो 400 रुपये मिले हैं ना यहाँ पर 8 वाउचर 50 रुपये के जो मिले हैं वो यहाँ पर इकट्ठे आप यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिचार्ज पर एक ही वाउचर यूज में लाना है, ठीक है। मतलब अगर आपने 399 रुपये का कोई रिचार्ज करवाया है 15 नवंबर के बाद तो यहाँ पर आप 50 रुपये का वाउचर इसमें ऐड कर पे कर सकते हो, जैसे कि आपने पेटीएम से किया या जियो वॉलेट ऐप से किया, ठीक है। तो आपको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 249 रुपये की, ठीक है। बाकी 50 रुपये तो आपके वाउचर में से ले लिए जाएंगे। समझ गए ना, समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ इतनी बात, ठीक है। अगर समझ में कुछ नहीं आता है दोस्तों तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भैया मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको डीपली भी समझा सकता हूँ। फेसबुक पर भी हूँ मैं, वहाँ पर भी आप जाएंगे पीके के जुगाड़ के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं, वहाँ भी जवाब दूंगा आपको। इंस्टाग्राम पर भी आपको जवाब दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आपके माइंड में कुछ सवाल जवाब घेरा बना रहे हैं तो उसका तोड़ निकालने के लिए आप मेरे फेसबुक पर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल अपने, और कमेंट पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें और क्या है, इसमें भसूड़ी मचा रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाइयों देखो इसमें ये है, आपको शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यार ये सब क्या है ना। तो भाई इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आप रिचार्ज करवाओ या मत करवाओ, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार के रिचार्ज भी नहीं करवाते हम यहाँ पर, मान लीजिएगा कि रिचार्ज क्यों नहीं करवाते, क्योंकि हमें पता है क्या जियो कुछ ना कुछ नया निकालता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिखी है ना कि न्यू प्लान्स इफेक्टिव फ्रॉम 19 अक्टूबर, भाई ये 19 अक्टूबर में कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाली है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको रिचार्ज करवा लेना चाहिए। क्यों करवा लेना चाहिए, हो सकता है कि जो 399 रुपये का रिचार्ज है ना वो महंगा हो जाए, ठीक है, तो इससे अच्छा यार जो कुछ मिल रहा है ना अभी टाइम में उसे ले लो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि भाई किसी का प्लान अभी आपने रिचार्ज करवाओ 3 के 3 महीने आपके पास हो, मान सकते हैं, तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये भी देखो ना कि यहाँ पर 19 अक्टूबर के बाद कुछ चेंजेस हो जाएगा यार, या फिर मुझे महंगा पड़ जाएगा, कि वो महंगा कर सकती है कंपनी, सस्ती कर सकती है, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से महंगा भी हो सकता है, तो आपको करवा लेना चाहिए रिचार्ज। भाई इसमें कोई घाटा तो आपको हो नहीं रहा है, आपको बल्कि थोड़ा फ़ायदा ही मिल जाएगा। अब मान लीजिएगा कि आपके पास 1 महीना ही बचा हुआ है रिचार्ज खत्म होने वाला, आपका कोई पुराना जो पुराना प्लान चल रहा हो वो 1 महीना उसमें बचा हुआ हो, तो आपके लिए और फायदेमंद हो सकता है, आप इसको करा सकते हैं भाई, ठीक है। दोस्तों आप रिचार्ज किसी भी प्रकार से करा सकते हैं जैसे आपको आसानी हो, जैसे गले की दुकान से आप करा सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, जियो वॉलेट से कर सकते हैं, मतलब आप किसी से भी रिचार्ज कराएंगे तो आपको कैशबैक मिलेगा ही। गाइज मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो यार लाइक ठोकना बनता है, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में यार। यदि आप एक लाइक मुझे दे दोगे ना तो मुझमें हिम्मत आ जाएगी अगली और अच्छी वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ी बहुत तो सपोर्ट करना बनता है एक छोटे से आदमी के लिए। यार आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता हूँ, ठीक है, और आप मेरी वीडियो देखेगा बहुत मस्त होती है, तो यार कर लो यार सब्सक्राइब, कुछ नहीं बिगड़ेगा, फ्री में होता है सब्सक्राइब भाई, तो कर दीजिए यार। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।